बिहार में विधानसभा चुनाव का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि बिहार में 3 चरण में चुनाव हो सकता है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें उपचुनाव को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सभी की नजर टिकी हुई है। बताते चले कि यूपी में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। संसद में अभी हाल ही में पारित किए गए कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने शुक्रवार को भारत बंद बुलाया है। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब और हरियाणा के ज्यादा किसान शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा देश के 31 किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है। रात भर पटरियों पर ही किसान बैठे रहे। आंदोलन को देखते हुए 26 सितंबर तक 14 जोड़ी विशेष ट्रेनें निलंबित की गई। किसान बिल को लेकर सैकड़ों किसान लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान बिल को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते चलें कि आज पूरे देश में बिल को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाराबंकी में कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अयोध्या लखनऊ हाईवे जाम कर दिया है। प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर जाम लग गया। किसानों के हंगामे को लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं। बदायूं में कृषि अध्यादेश के विरोध में मशाल जुलूस निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जुलूस नहीं निकालने की चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने। पुलिस ने उन्हें तुरंत फिर गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस कार्यालय ले गया, जिसके बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालने से मना कर दिया है। उसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया। कृषि बिल और श्रम कानून का विरोध में समाजवादी पार्टी भी आज यूपी में प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन करके समाजवादी पार्टी राज्यपाल के नाम सभी डीएम को ज्ञापन सौंपेगी। ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक को कोर्ट से अभी किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। अब 29 सितंबर को यह फैसला होगा कि रिया को बेल मिलती है या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेस ड्रग्स केस में फंस गई हैं। एनसीबी ने सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, राकुल प्रीत सिंह को समन जारी किया है और बुलाया है। एक्ट्रेस राकुल प्रीत एनसीबी दफ्तर के लिए घर से निकल गई हैं। एनसीबी की टीम आज ड्रग्स कनेक्शन को लेकर राकुल से पूछताछ करेगी। एनसीबी के पास राकुल की ड्रग्स चैट है। एनसीबी को राकुल से बड़े खुलासे की उम्मीद है। राकुल का नाम रिया ने एनसीबी की पूछताछ में लिया था। राकुल प्रीत गुरुवार को हैदराबाद से मुंबई आई थी। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से 26 सितंबर को पूछताछ की जाएगी। दीपिका ने एनसीबी के समन का जवाब देते हुए बताया कि वो कल यानी शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर नहीं जाएंगी, वो शनिवार को ऑफिस पहुंचेंगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 97 रनों से हरा दिया। इसी के साथ पंजाब ने एक हार के बाद सीजन में पहली और दमदार जीत हासिल की है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 206 रन बना डाले। जवाब में बेंगलुरु की टीम केएल राहुल के स्कोर को भी पार नहीं कर पाई और 109 रनों पर ढेर हो गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार शाम हमलावरों ने एडवोकेट बाबर कादरी पर जानलेवा हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। हमले के तुरंत बाद बाबर कादरी को अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगर कोई भी महिलाओं से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके पोस्टर शहर में लगेंगे। योगी सरकार ने इसी तरह का कदम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा के दौरान भी उठाया था। सरकार ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का पोस्टर सड़कों पर लगवाया था। यूपी में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। 35,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है। दरअसल 560 भर्ती प्रस्ताव यूपीएसएससी को भेजे गए हैं। 117 विभागों ने लगभग 35,000 पदों का प्रस्ताव भेजा गया है, तो वहीं परिवार कल्याण विभाग में 9,222 पदों के लिए प्रस्ताव भेजा है।
इसके साथ ही राजस्व परिषद में 6028 पदों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बताते चले कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग में 3449 पदों का प्रस्ताव है। कोरोना वायरस का संक्रमण थमता न देकर हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी नागरिक घर से बाहर बिना मास्क के दिखाई नहीं देना चाहिए। घर से बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति ये सुनिश्चित करे कि उसका मुंह और नाक ढका हो। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर मौजूदा कानून के तहत ही कठोर दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले सपा नेता आजम खां के परिवार को एक और झटका लगने जा रहा है। उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां चुनाव लड़ने पर 6 साल की रोक लग सकती है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। भारत निर्वाचन आयोग ने आयोग से सहमति लेकर उनके चुनाव लड़ने पर रोक का आदेश जारी हो सकता है। भारत में कोविड 19 के नए मामलों की संख्या में इजाफा जारी है। सुबह 8 बजे जारी किए गए स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 58.18 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से संक्रमण के 86,052 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13.80 लाख टेस्ट किए गए। सीएम योगी लखनऊ में सूचना विभाग की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से सूचना परिसर बना है। 54 करोड़ की लागत से 2 साल में बनकर परिसर तैयार हुआ है। सीएम योगी आज लखनऊ मंडल की समीक्षा करेंगे। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान लखनऊ मंडल के अधिकारी मौजूद रहेंगे। फिरोजाबाद के उत्तर थाना इलाके में 2 शराबियों में जमकर मारपीट हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव किया है। तो वहीं पुलिस ने एक शराबी को गिरफ्तार किया है। नोएडा के सेक्टर 58 कोतवाली इलाके में खुलेआम शराब पीने वालों पर पुलिस का अभियान चला है। कमिश्नर के आदेश पर शराबियों पर कार्रवाई की गई है। खुलेआम शराब पी रहे लोगों को पुलिस ने पकड़कर हिदायत दी है। तो वहीं बड़ी संख्या में शराबियों की धरपकड़ की गई है। बिजनौर में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। मकान के पास खड़ा एक जर्जर हालत में पोल गिर गया, जिससे एक मासूम बच्ची बुरी तरह झुलस गई। पोल गिरने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने आनन फानन में बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। ताजनगरी में नकली मोबिल ऑयल के माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। थाना एतमादौला के फाउंड्री नगर इलाके में मोबिल ऑयल के एक गोदाम पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। पुलिस ने गोदाम में से नामी ब्रांड्स की कंपनियों के नकली मोबिल ऑयल की 275 पेटी और ड्रम में से करीब 3600 लीटर नकली मोबिल ऑयल बरामद किया है। बागपत में मेरठ बागपत हाईवे के पास गन्ने के खेतों में एक कार में हरियाणा राज्य के सोनीपत के रहने वाले युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। युवक की पीट पीट कर हत्या करने के बाद हत्यारोपी शव को कार में ही छोड़कर फरार हो गए। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी वारदात की तफ्तीश में जुट गए हैं। सीतापुर में मनचलों के खिलाफ पुलिस ज्यादा सख्त नजर आ रही है। आईजी रेंज के निर्देश पर पूरे जिले में मनचलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एंटी रोमियो टीम ने 23 लोगों को सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, साथ ही फप्तियां कसते हुए लोगों को हिरासत में लिया है। नोएडा की कोतवाली फेज 3 पुलिस को शिकायत मिली है कि कुछ लोग फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को सस्ते मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बेचने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए नोएडा की साइबर क्राइम सेल ने पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस गैंग के 4 सदस्यों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, करीब 17.5 लाख कैश बरामद किया है। संभल के नखासा इलाके में पैसों की लेन देन में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में पथराव और फायरिंग होने लगी। फायरिंग के बाद युवक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि फायरिंग में एक शख्स की
मौत हो गई। तो वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इलाज न मिलने पर शख्स की मौत हुई है। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली इलाके में पति ने गृह कलेश की वजह से पत्नी को कुल्हाड़ी से मौत की घाट उतार दिया। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी के वन क्षेत्र संपूर्ण नगर इलाके में मगरमच्छ पहुंच गया है। मगरमच्छ को लेकर लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। मगरमच्छ को देखकर लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर मगरमच्छ को पकड़कर शारदा नदी में फेंक दिया। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता ने अपने ही सरकार पर निशाना साधते हुए पुलिस थाने में जमकर प्रदर्शन किया। महिला नेता के साथ छेड़छाड़ के मामले में अल्पसंख्यक मोर्चे के महानगर अध्यक्ष समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें लिखा गया कि बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता पर भी उतर आए। इटावा के थाना कोतवाली इलाके में पुलिस के सामने दबंगों के हौसले बुलंद हैं। देर रात बस स्टैंड के पास पिस्टल लेकर युवक घूमता रहा। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर बैठे सिपाही की युवक को पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। दबंग के पिस्टल लेकर घूमने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद है। दरअसल नगर कोतवाली इलाके में चैन स्नैचरों ने ई रिक्शा पर बैठी महिला से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने चेन स्नैचर को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सीतापुर में चोरों ने सराफा दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने दुकान में घुसकर 5 किलो चांदी के आभूषण लूट लिए और चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जालौन में महिलाओं ने दिनदहाड़े चोरी की है, जहां महिलाओं ने ज्वेलरी शॉप में सोने की बालियां चुरा ली। दरअसल महिलाओं ने दुकानदार को बातों में उलझाकर बालियों का पैकेट चुरा लिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हापुड़ में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जहां चोरों ने घर के बाहर खड़ी स्कूटी को चुरा ले गए, तो वहीं मौके से फरार हो गए चोर। चोरों की करतूत की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हापुड़ में दूध की कालाबाजारी सामने आई है, जहां हाईवे पर टैंकरों से दूध की चोरी सामने आई है। दूध माफिया और खाद्य आपूर्ति विभाग की मिलीभगत से दूध की कालाबाजारी हो रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एटा पुलिस ने आलू से भरा ट्रक लूटने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 22 सितंबर को बदमाशों ने एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ से लटकते मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पत्नी से घरेलू विवाद के चलते युवक ने फांसी लगा ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बदायूं जिले में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की वही 5 बाइकों को बरामद किया है। उनके ओर से अलग अलग क्षेत्रों से गाड़ी जो है चोरी की गई थी। बुलंदशहर में 2 पक्षों में मामूली विवाद के चलते जमकर गोलियां चल गई, जिसमें एक युवक को गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बागपत के कस्बा टिकरी के तालाब में एक साधु का शव मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां चोरों ने मवाना थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े मेरठ पौड़ी मार्ग पर डस्टर कार चोरी कर ली। पीड़ित बिल जमा कराने के लिए आया हुआ था और उसने बिजली घर के सामने कार पार्क की थी।
बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, तो वहीं बस्ती में भारी बारिश के चलते सड़क पर पेड़ गिर गया, जिसके चलते मुख्य सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। तो वहीं सड़क के किनारे खड़ी मोटरसाइकिल पेड़ के नीचे दबने से क्षतिग्रस्त हो गई। बहराइच में पुलिसकर्मियों के शराब पीकर हंगामा करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक पार्टी के दौरान पुलिसकर्मियों ने शराब पीकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने आपस में मारपीट भी की। घटना की सूचना अधिकारियों को नहीं देने पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही इसकी जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक नगर को सौंप दी गई है। सहारनपुर में ट्रक से कुचलकर किशोर की मौत हो गई। वहीं किशोर की मौत पर जमकर हंगामा हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक चालक को जमकर पीट दिया, तो वहीं ग्रामीणों ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ भी की है। थाना बेहट कोतवाली क्षेत्र की शंकर भरी रोड की घटना है। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में 5 साल के बच्चे की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। गन्ने के खेत में मासूम का शव मिला है। मासूम की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, तो वहीं पीड़ित परिवार ने अपने ही किराएदार पर अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना बहेड़ी थाना क्षेत्र के नजरगंज की बताई जा रही है। मृतक मासूम ग्राम भिलौर का रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कासगंज जनपद की सोरो कोतवाली इलाके में खेत जोतने से मना करने पर दबंग कब्जाधारियों ने झोपड़ी में आग लगा दी और मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी दबंग फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर इलाका पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।